पीएम केयर फंड से छत्तीसगढ़ को मिले 13 करोड़ को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और क्षेत्र के सांसद की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि पीएम केयर फंड से जो मदद मिली है उससे प्रदेश के लोगों के मास्क भी नहीं खरीदे जा सकते। उन्होंने सांसद पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया। वहीं सांसद अरुण साहब ने कांग्रेस के बयान पर कहा कि जो सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही उसे केंद्र पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जनता का पैसा वो अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ को दे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से पूरे मजदूरों को वापस लाकर उनको क्वारंटाइन कर उनके खाने की व्यवस्था कर रही है, उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, पर केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे नहीं दे रही है। आप सबको पता है कि क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के लिए जो ग्राम पंचायतों ने खर्च किया है वह पैसा भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई 14वें वित्त आयोग की राशि है। आज गांव में जो रोजगार के काम हुए, लोगों को जो रोजगार मिला मनरेगा के अंतर्गत, वह भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशि है।